नमस्कार दिव्य और सज्जनों, मच्छर मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। मैं तुम लोग एक और करी मोड के नए एपिसोड पे चालू करते हैं। पिछला एपिसोड जिसने भी देखा है उसे पता होगा, हम लोगों ने रणजी सेमीफाइनल खेला मुंबई के अगेंस्ट और ड्रॉ हो गया यार। उस लोगों को लग रहा होगा आज तुम्हें फाइनल देखने को मिलेगा, बट यार पता नहीं भाई फाइनल का होगा नहीं होगा, क्योंकि नो आइडिया भाई। वो तो अभी मेरे लिए भी सरप्राइज है, तुम लोगों के लिए भी सरप्राइज है। पता ही होगा मैं क्लब क्रिकेट का कैप्टन हूं अपने। और हां, जैसे तुम्हें पता है पिछले एपिसोड में मैं T20 के लिए सिलेक्ट हो गया था उत्तराखंड के लिए, तो वो मैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं भाई, उसमें तो और ज्यादा मजा आएगा। अरे आज हम लोग टर्न का बैट यूज करने वाले, जो आई थिंक SS की कंपनी है। SS टर्न करके आता था पहले, जिम करना चाहता था बट मैं ये लॉक ही मिलता है दोस्तों, इसका कुछ नहीं कर सकते, इलाज ही नहीं है। जब मैं आता हूँ तब लॉक मिलता है, तो ठीक है इसको अभी रहने दो। लेट्स गो फॉर द मैच। और ये 3-day क्लब मैच है तो मजा आने वाला है भाई, और अपनी फॉर्म तो तुम्हें पता ही है पिछले मैच में, तब भाई मारी यार अपने ने। मैच स्टार्ट हो चुका है, मैंने टेल्स कॉल किया है। लेट्स सी अपन कैप्टनशिप पे टॉस जीते हैं, और काफी दिनों बाद कैप्टनसी करने वाला हो यार मैं। आई थिंक ये लास्ट ही मैच है शायद से अपना। ओके क्या करे पहले बैटिंग करेंगे भाई। हियर वी गो, मैच स्टार्ट हो चुका है। पदम हुसैन और के रावत बैटिंग करने के लिए आ रखे हैं अपनी टीम से ओपन, और बैटिंग पिच ही लग रहा है मेरे को डिसेंट पिच है ये। और एज अ कैप्टन काफी ज्यादा डिसीजंस लेने पड़ते हैं, वो देखने पड़ेंगे यार, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं और चैलेंजेस भी हैं बहुत सारे जो मैं करने का ट्राई करूंगा इस वीडियो पे। अभी इसके बाद बताता हूं मैं तुम्हें कौन कौन से चैलेंजेस हैं। मोस्टली चैलेंजेस आई थिंक बॉलिंग को लेके है, विकेट्स लेने को लेके, तो वो टफ होने वाला है। पहला चैलेंज अफजल का है, और ये लगा भाई मेरा ध्यान उधर चल जाता है, तो अपने को 250 रन बनाने हैं 250 बॉलों पे, और उससे नीचे भी चलेगा तो ठीक है भाई, ट्राई करूंगा मैं। आज यादव का चैलेंज है मेक अ सेंचुरी 6 sixes and 6 4 प्लीज, ठीक है भाई ट्राई करूंगा ये करने का। तेज का चैलेंज है 10 सिक्सेस मारने, 400 रन बनाने और 5 विकेट भी लेने आई थिंक मेरे को, तो अगर मैं ये कर लेता हूं तो वो 50 पुशअप मारेगा। आई होप इन फाइनल हम लोग ये ट्राई कर सकते हैं। मुकेश कुमार का चैलेंज है थ्रो विकेट इन योर 1 ओवर। ओके ट्राई करूंगा पहले ओवर पे विकेट लेने का। आई थिंक सबने सोचा था कि मैं फाइनल पे ही पहुंचूंगा और अगला मैच फाइनल होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। और ये क्या फ्लिक मारा है, 4 रन हो गया यार। नंदन चक्रवर्ती का चैलेंज है टेक 2 विकेट इन योर फर्स्ट 5 ओवर्स। ओके कैप्टन हूं तो ट्राई तो करूंगा मैं 2 विकेट लेने का, वो भी स्टार्टिंग पे, क्योंकि ठीक है ट्राई करूंगा भाई। नफ का चैलेंज है मेक 250 इन अ इनिंग विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 200 विद 18 सिक्सेस, कोहली फॉर अ रीजन, ठीक है भाई ट्राई करूंगा मैं, बट यार यहां पे थोड़ा टफ लग रहा है 250। ठीक है, चंद का चैलेंज है 15 रन बनाने एक ओवर में और 1 विकेट भी लेना है, तो लेट्स सी तो हो सकता है। प्रिंस का चैलेंज है मेक सेंचुरी इन 30 बॉल्स, देखो टफ है, फास्टेस्ट सेंचुरी हो जाएगी तो ट्राई करूंगा। बैटिंग आ चुके हैं, अपना क्लब क्रिकेट में 50 का एवरेज है और 200 है, बाय द वे 106 बेस्ट है, लेट्स सी अपन तोड़ पाएंगे या नहीं। ठीक है, स्पिनर बॉलिंग करा रहा है, क्या बात है भाई, मतलब अरे यार पहली शॉर्ट बॉल, ठीक है पहला बॉल है, इतना ज्यादा ट्राई नहीं करूंगा। और चैलेंजेस तो आई थिंक काफी टफ होने वाले हैं, मोस्टली आई थिंक फाइनल के लिए, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा तुम लोगों को। यार फास्टेस्ट 100 भी तो बनानी है, चलो मैं शॉर्ट्स के लिए जा रहा हूँ भाई, कनेक्ट देख रहा हूँ क्या हो रहा है ये। आई थिंक क्लब क्रिकेट में काफी ज्यादा छोटे ग्राउंड है, ये सीधे ही पार गया है। और ये देखो तुम लोगों को टर्न का बैट यहाँ पे और क्लियर दिख रहा होगा, और ये शॉर्ट तो क्या ही था भाई। अगर मेरे को फास्टेस्ट 100 बनानी है तो मारने के लिए ही जाना पड़ेगा। ओके कहाँ डालेगा, आगे की बॉल है, मार रहा हूँ। ओहो ये टाइमिंग ओपी हो रही है, क्या है ये फर्क भाई। मेरे को लगता है अगर मैं ऐसा स्टेट टीम के लिए अगेंस्ट मारता ना, मैं पक्का आउट हो जाता इसी बॉल पे। मतलब पिछली बॉल जो मैंने 6 मारी थी, मोस्टली मैं उसे ना डिफेंड ही करता हूँ, क्योंकि मैं उसे मार नहीं पाता हूँ। टाइम हो रहा है भाई, मैंने बोला था भाई ये बैटिंग पिच तो है भाई, देखो तुम लोग बस टाइम क्या है भाई, ऐसे टाइम क्या है बस। पीछे स्क्वायर लेग है आई थिंक, ये बॉडी पे ही डालेगा, डाली भी, बैकफुट से मारा भी, और कवच क्या हाथों पे सिंगल ले लेंगे। चलो अच्छा हुआ लास्ट बॉल पे सिंगल ले लिया था, फुल बॉल और उठा के मारा है, और एक्स्ट्रा कवच के ऊपर से भी चल जाएगी और 4 रन भी मिल जाएगा अपने को। फॉर्म तो मतलब खतरनाक ही चल रही है, एक्स्ट्रा कवर पे मारा तो एक्स्ट्रा कवर पे ही लगा दिया, पर मैं इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से मारूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस यार, 8 बॉलों पे 21 रन, क्या फायदा इन रनों का। दिलानी को आई थिंक और नीचे करते हैं, वैसे भी उसका एवरेज सुधर नहीं रहा है, फराद भाई को ही भेजते हैं। ओके बॉलिंग आ चुकी है, 21 मैच में 24 विकेट भाई, फर्स्ट क्लास में काफी कम विकेट है अपने। बूट कुछ ऐसा है, 257 पे ऑल आउट होगी अपनी टीम। और फराद भाई देखा, यकीन था मेरे को 73 रन बनाए उन्होंने, और वो लोग 62 पे नॉट आउट है, वाह भाई क्या बात है। लेट्स सी विकेट लेने का ट्राई तो करना है, यहाँ लगाओ सेकंड स्लिप को अपन थर्ड करेंगे। चलो पहली बॉल होने वाली है क्लब क्रिकेट पे। ओ, ये विकेट कैसे नहीं था, पहला ही बॉल इतना प्यारा यार। मैं तो यॉर्कर के लिए जा रहा हूँ भाई, मेरे को लगता है ये बोल्ड हो जाएगा।
अरे यार लीव कर दिया, सीधा ही रह गया, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हुआ। क्या लगता है दो ओवर में विकेट मिलेंगे अपने को? ओ हो हो हो, चौकी के बाद मैं एक चीज समझाऊ, गुड लेंथ पे नहीं आना है, आगे ही रखनी है बॉल। गुड लेंथ पे कुछ हो नहीं रहा है बॉल पे हरकत, तो कवच पूरा खाली है ड्राइव करवाने के लिए। बाहर वाला बॉल तो छोड़ ही दे रहा है। अरे बॉल देख लो नया ही है अभी तो। लास्ट बॉल टू गो, एलपी होगा। ओ अच्छा डिफेंस किया यार, अच्छा खेल रहा है। आई थिंक मैं रुक के खेलता तो मेरे थोड़े बहुत रन बन सकते थे। एज और वो कैरी नहीं किया वहां तक, बिल्कुल नहीं किया। तो एज लगे, पैडो पे लगे, अपील करना अपना काम है भाई। अपील तो मैं करने से रुकूंगा नहीं, और ज्यादा ही डाउन द लेग चले गई ये बॉल, और बढ़िया फ्लिक यहाँ पे को दिखाना पड़ेगा भाई। इतना इजीली मार रहे हैं तो मेरे को, स्टेट टीम के लिए खेला है मैंने। ओ कैरी नहीं किया, विकेट तो मिलेगा भाई, मैं विकेट लिए भी। अरे यार इसने खेल के खेला था क्या, या फिर एज लगा इसका? मेरे को दो बॉल बची हैं, लेट्स सी भाई। ओके फिर से गैप पे यार, लेग कटर था ये। दो चौके खा गया मैं एक ही ओवर में, वो भी अलग अलग बैट्समैन से। चलो लास्ट बॉल। ओ हो हो, अब इसको बचना है तो इतने से क्यों बच रहा है, ये बोल्ड ही कर दो यार। ऐसे डे टू चालू हो चुका है, और आई थिंक ये फर्स्ट ऐसे नहीं होगा, सीधा स्ट्रेट ड्राइव और बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग। तो ड्रॉ पता नहीं भाई, क्लब क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है अचानक। वैसे अपनी बैटिंग आनी है अभी तो, लेट्स सी, मैं उस पर जल्दी जल्दी खेल के अच्छा खेलूंगा, गलत शॉट नहीं मारूंगा पिछले तरह की क्लीनिंग की तरह, ठीक है। अब ट्राई तो करूंगा मैं सेंचुरी मारने का, लेकिन उससे पहले मेरे को विकेट्स लेने हैं। और आई थिंक बॉलिंग चैलेंज क्या था, एक कि मेरे को दो ओवर में एक विकेट लेना है, कुछ ऐसा तो था, बट ठीक है यार, आई थिंक वो हो नहीं पाया। मोस्टली इस वाली वीडियो पे तुम्हें चैलेंजेस शायद से ना मिले, कंप्लीट करने ना हो पाए मेरे से। लीडिंग एज गो स्लोअर यॉर्कर आगे। एज दोबारा से कैरी नहीं किया यार, ये अलग दुख है भाई जीवन में, ये अलग ही दुख है यार। मैं गुड लेंथ पे डालूंगा, मैं वहां मार खाऊंगा, इसलिए आगे ही डाल रहा हूँ। और ये थोड़ा तो घटिया ही बॉल था, लेग कटर था, वो भी बाहर इतना, ठीक है चलो कोई ना। और हाँ जल्दी हम लोग ना डिफरेंट लीग्स भी खेल सकते हैं अपने करियर मोड पे। आई थिंक मैं सिलेक्शन के लिए हो तो रहा हूँ। नोटिस इस चौके को देख के था, मेरे को बुरा लग रहा है अपने लिए भाई यार, बढ़िया शॉट मारा, वैसे बॉल अच्छा ही था, लो फुल टॉस था। और हाँ इंग्लैंड की T20 लीग के लिए आई थिंक हम लोग थोड़े सिलेक्शन अपना हो सकता है शायद से, भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग पे या फिर PSL पे भी हो सकता है। बाय द वे मस्त तुम्हें T20 मैचेस देखने को मिलेंगे, मतलब अलग अलग टीम के लिए खेलेंगे। बट यार ये तो बुरा हो रहा है भाई, मैं यार ये गलत बात है भाई, मैं स्टेट खेल के आ रहा हूँ, क्लब क्रिकेट में पिटा ही जा रहा हूँ, क्या घटिया बॉलिंग तो नहीं कर रहा हूँ मैं, अच्छी बॉल थी यार ये, 100 रन की पार्टनरशिप नहीं होगी। अरे यार सीधा बॉल जो रह रहा है उसे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है भाई ये भी ठीक है, शायद से ऐसे ही खेलते हैं भाई टेस्ट क्रिकेट में। कुछ ज्यादा अतरंगी खेलने की कोशिश पे आउट हुआ, वैसे भी उससे ज्यादा आई थिंक करूंगा, और ज्यादा कोशिश करूंगा तो शायद से इंजरी भी हो सकती है, तो ज्यादा ट्राई भी नहीं करना है अपने को। फाइनल बचा है, बट फाइनल का कुछ पता ही नहीं है भाई, वो होगा नहीं होगा, लाइक लिटरली नो आइडिया भाई, नो आइडिया। लेकिन अगर तुम में से किसी को बताया कि अगर रणजी के सेमीफाइनल ड्रॉ हो जाते हैं तो क्या होता है। और हाँ वैसे अपनी टीम ने उत्तराखंड ने टॉप किया था वो जो लीग मैचेस थे उस पे। यार अपने को फाइनल खेलना है बस। ओए यार यस, ये जोको बना के कैसे मार रहा है मेरे को अंदर वाली बॉल पे, और 100 रन की पार्टनरशिप जो मैं नहीं होना चाहता था, बट ठीक है। बट स्टिल दोस्तों मुझे लगता है मेरे पास चांसेस है, इसी चीज की बात कर रहा हूँ, एक बॉल और बंदा गोल हो जाएगा। दो तीन मैच बहुत अच्छे गए ना मेरे, आई थिंक आ गया वो ड्रॉबैक, आ गया दोस्तों आ गया, इसमें तो आ चुका है, बैटिंग में भी आ चुका है वैसे। अच्छा बाउंसर, अरे डक कर दिया सुअर ने, मेरे को बॉडी पे ही डालना चाहिए था यार, और हाँ मेरे को इसके बाद ओवर डालना चाहिए, क्या बोलते हो तुम लोग यार, काश तुम लोग बता पाते मेरे को यार, टिप खा के ऐस गया उसके बाद, ठीक है समझ गया ना तुम लोग क्या कहना चाहता हूँ मैं। देखो मेरे को लगता है करण गुप्ता ले सकता है विकेट, तो एक और ओवर यार मजा आ रहा है भाई कैप्टनसी करने में, और थोड़ी बहुत फील्ड चेंजेस भी कर सकते हैं अभी। ये थोड़ा यार ये ऑफ साइड वाली लाइन पे क्यों डालने है भाई, थोड़ा बॉडी पे आओ ना यार, मैं आगे लगा रहा हूँ सिली पॉइंट पे, लेट्स गो गाइस, पूरी अटैकिंग फील्ड, इससे फर्क पड़ेगा। ओके मैं चाहता हूँ वो थोड़ा स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करे, बट ठीक है ऑफसाइड पे करा रहा है भाई, लाइन बताने का भी ऑप्शन होता तो मजा आ जाता। ओके ड्राइव करने गया, ठीक है, बट एक बहुत ही गंदा बॉल था। दो बॉल बचे, लक तो नहीं रहा है विकेट मिलेगा, बट स्टिल हाँ ये वाली लाइन तो मैं चाहता हूँ, इधर पे बॉलिंग करे लेकिन फुल करे। 76 जर्सी नंबर भाई, अगर ये बैट्समैन है ना साले को नीचे टेल एंडर के साथ बैटिंग कराऊंगा मैं। बॉल आगे वाली लाइन डालेंगे नहीं भाई, गुड लेंथ पे डालना है, पीछे नहीं खिलाना है आगे खिलाना है यार, ठीक है कोई नहीं, गुड ओवर। 10 ओवर कम्प्लीट हो चुका है, अब हम डालेंगे अपना स्पेल, 6 की इकोनॉमी से रन खा रहा हूँ मैं। ओके कूल, 3 विकेट गिर चुके हैं उनके बाय द वे, और 185 फतरे हैं वो लोग। तो जादव की हो चुकी है सेंचुरी, क्या बात है भाई क्या बात है, और मैं सेम जो स्पिनर्स के अगेंस्ट फील्ड थी उसी के साथ जा रहा हूँ। वैसे बाउंसर भी डाल सकता हूँ, बट ठीक है हाँ ये वाला लाइन में चाहता हूँ, उसका एज वेस लगे, डांसेस हो सकते हैं यहाँ पे विकेट आने के। ओके एक एज और हम लोग थोड़ा सीधा भी डालूंगा मैं बॉल, बस कोशिश करना आगे वाली लाइन। ओ
यार ये वाली बॉल के लिए तो वेट कर रहा था, स्टंप को हिट कर देती यार। पिछले ओवर में विकेट मिल चुका, आई थिंक फराद डाल रहा था। ओके अच्छा मिड ऑफ हो तो सब मैंने आगे कर दिया, ठीक है हम इन्हें 250 से पहले ऑल आउट कर सकते हैं। ओके बाउंसर यार इनसाइड एज, ट्राई तो करना है यहाँ से विकेट लेने का। ओ लीफ कर दिया, लीफ कर दिया। अगर ये मैच मेरा 5 विकेट के साथ एंड होता है तो काफी अच्छा रहेगा, बट अभी तो एक भी नहीं मिला है। ये मेरा तीसरा स्पेल है क्योंकि मैंने सेट किया था, बट किस्मत खराब है दोस्तों मेरी और वो 241/8 हो चुके हैं। मतलब मैंने जो बोला था 250 पे ऑल आउट हो जाएंगे तो हो सकते हैं वो लोग। मैंने सेट करके रखा था कि मेरे को अगला ओवर मिलेगा, बट AI दोस्तों AI चेंज ही हो जाता है बिल्कुल। बट कोई ना, अब 2 विकेट बचे हैं, एक लेने का तो ट्राई करूंगा मैं, जो लग नहीं रहा है अभी आ रहा है। बॉल छोड़ के थोड़ा गुड लेंथ पे डालने। ओके वैसे 11 ओवर तो डाले बट आज काफी ज्यादा पिटाई हुई यार, अपनी 66 रन खाए मैंने 11 ओवर में भाई टेस्ट मैच के हिसाब से। ओके बढ़िया बॉल। और के लिए क्या कंपटीशन हो रहा है ना, मतलब दो टीमें तो कंफर्म ही है RR और KKR, बट स्टिल भाई ओ कैरी नहीं किया दोस्तों ऐसी। ओ ये टट्टी चीजें क्यों करते हैं ये लोग, कीपर पकड़ता नहीं है वो फेंक देता है, पता नहीं भाई ये अलग ही ग्लिच चालू ही है इस गेम पे। क्या तुम्हें क्या लगता है भाई लास्ट 2 टीमें कौन होंगी आज? ISRH भी हार चुकी है वैसे बाय द वे MI से, CSK तो यहाँ से कर ही लेगी क्वालिफाई। लेट्स सी भाई चौथी टीम कौन होती है, जो मेरे को लग रहा है LSG या फिर SRH में से ही होगा कोई। एक और विकेट गिर गया। और हाँ वैसे मैंने एक वीडियो पे बोला था DC कर सकती है, आई थिंक मैंने KKR RR और DC और CSK बोला था, या फिर KKR नहीं बोला था पता नहीं मेरे को याद नहीं है, बट हाँ मैंने DC के लिए बोला था, क्या पता भाई कर जाए DC। बट स्टिल मेरे को लगता है SRH के ज्यादा चांसेस है, मेरी कुटाई से तो ज्यादा ही चांसेस होंगे आई थिंक। टेलेंडर पे ले मेरे को, क्या बात है भाई क्या ही बात है। ओ अब बताओ ये फुल लेंथ की बॉल विकेट हिट करी नहीं, द हैक भाई कैसे ऊपर जा रही है इतने, इतना बाउंस है गया इस पिच पे। हेडिंग आ चुकी है, वो लास्ट ओवर ही हो गया था और एवरेज थोड़ा सा गिर गया है पिछली वाली इनिंग की वजह से। ज्यादा रन बनाया नहीं है, 2 रन की लीड हमारे पास आ चुकी है ऑलरेडी और 7/1 है हम लोग। ओपनर्स तो आई थिंक उतना अच्छा करते भी नहीं अपने, गुड थिंग पदम हुसैन के साथ खेलेंगे थोड़ा तेज खेलेंगे। और पहला ही आते ही पहली बॉल मिड विकेट पे मारी है मैंने, क्या बात है भाई, रिस्क फ्री क्रिकेट है भाई मेरा तो, मतलब रिस्क ही रिस्क है मेरा, फ्री क्यों बोल रहा हूँ मैं। बट स्टिल भाई फास्टेस्ट सेंचुरी बनानी है तो ये तो करना ही पड़ेगा ना, कुटाई ओपी उसके बिना तो बन नहीं पाएगी। ये रिस्क लिया था मैंने हवा में मारने का, फिर भी सिंगल आया, क्या बात है। मतलब फास्टेस्ट 50 के लिए मेरे को 50 बॉल्स पे बनानी है 50। लेट्स सी भाई लेट्स सी, मतलब हर बॉल पे 2 रन भी लूंगा तो बन जाएगी, बट स्टिल चौके तो मारने पड़ेंगे कोई ना कोई तो, मैं डॉट खेलूंगा ही ना। ओके ये अच्छी फील्डिंग कर लेगा, मैं 3 भाग लूंगा, जितने रन एक बॉल पे बन सके मैं उतने बनाऊंगा, एटलीस्ट एक चैलेंज तो कंप्लीट होना वीडियो पे। और वैसे हम लोग टारगेट सेट कर रहे हैं तो देखो तेज खेलेंगे, क्विक 100 होगी। अच्छा वो साइड पे थ्रो नहीं फेंका, बच गया मैं, तो अपनी टीम के लिए फायदा है, जल्दी जल्दी 100 बन जाएंगे तो। हाँ वैसे डे 2 ही चालू है और अराउंड 3 AM हो रहा है, सॉरी। ओके शॉट, ओ बढ़िया फील्डिंग कर दी, 2 रन आए और हाँ PM हो रहा है भाई, AM नहीं हो रहा है अभी, ठीक है उजाला हो रहा है भाई मस्त एकदम। 5/11 आई थिंक 2 रन। कमेंट में अपने चैलेंजेस बता देना, क्या करना है मेरे को इन चैलेंजेस कंप्लीट ना करने के बदले। दिन सोनी बनती है लक्ष्मण, कभी कभी हगास भी आता है फरहाद को, आई थिंक फरहाद की जगह महमूद को भेजते हैं, स्किप मारेंगे, बनाओ भाई जितना टारगेट देते हो दो। अगे गाइस अपने को बॉलिंग मिल चुकी है, हाँ इधर कैप्टन मैं है बट वो लोग मेरे को बॉलिंग देते हैं क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कि मैं कैप्टन हूँ और मेरे को चीजें सेट करनी होती है। बाय द वे कुछ ऐसा हाल है, उन्हें 174 रन चाहिए जीतने के लिए और ये सेकंड सेशन चालू हो चुका है बाय द वे, और डे 3 है तो पता नहीं यार ड्रॉ होगा या फिर वो लोग जीत भी सकते हैं अगर तेज बनाए रन। एक दो बॉलिंग इसी फील्ड के साथ डालता हूँ, अगर ये मानने जाएंगे तो मैं पीछे कर दूंगा फील्डर। टॉप एज कैच होगा, अबे कोई जाओ तो सही यार, फील्डिंग ग्लिच सही करो भाई, कीपर को जाना चाहिए था यार ये। आज मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ बट बेस्ट हो नहीं रहा है भाई आज। अब क्रिकेट में आके जो बेइज्जती हो रही है वो अलग ही है यार, मतलब स्टेट में लगातार आई थिंक मैंने 3 मैच में सेंचुरी मारी थी या 2 पे तो मारी थी कम से कम, 56 रन थे, यहाँ आके न 50 हो पाया 20 के पार नहीं जा पाया आई थिंक मैं। यार मैं थोड़ा आराम से खेलता तो क्या पता भाई 50 तो हो ही जाती अगर मैं मारने नहीं जाता तो। इसे भी पता नहीं भाई क्लब क्रिकेट में अपना हाल क्या चल रहा है, मेरे को लगता नहीं हम लोग कोई क्वालिफाई करने वाले हैं फाइनल वाइनल के लिए क्लब क्रिकेट में, मैं तो पहला ही मैच खेल रहा हूँ इस सीजन का तो कोई ना। आई थिंक मैंने पिछले सीजन जिताया था अपनी टीम को, हाँ क्लब क्रिकेट और 50 ओवर्स में आई थिंक हम लोग हारे थे, जिस टीम को हमने हराया था टेस्ट में TD क्लब मैच में उसी ने हमको 50 ओवर्स में हराया था। फील्डिंग चेंजेस कर रहा हूँ गाइस, मैं फील्ड खोल चुका हूँ, मैं बनाओ रन, वैसे एक और विकेट नहीं आई थिंक उनके 2 विकेट गिर चुके हैं पिछले ओवर पे, भाई क्या बात कर रहे हो यार ये ठीक है। ओ मेरे अलावा सबको विकेट मिलेगा भाई आज, आउट
रन आउट। चलो कोई ना, अपने ओवर में एक विकेट तो आया, रन आउट ही सही। ये मैच हम लोग जीत सकते हैं, 6 विकेट चाहिए वैसे अपने को। चलो स्लोवर योकर आगे। ओ एच, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग भाई। जितने दूर मार सकता है मार, अरे नहीं मारा क्या? सिंगल तो खुले ही है इनके लिए। चीज कर सकते हैं एक्चुअली हम लोग, जो डीप कवर है ना उसको आगे बुला लेते हैं थोड़ा, ये वाला सिंगल्स तो रोक ही सकते हैं। एक स्लिप तो और जरूरी है वैसे। ओ अच्छा बॉल। और वैसे आज किसी को अपना फेवरेट शॉट मिला है नहीं मिला वो बताना मेरे को, क्योंकि बैटिंग तो मैंने क्या ही की है भाई, टट्टी की है। बट स्टिल अगर तुम्हें मिला हो तो कमेंट पे बता देना तुम लोग। बस आज मेरे ओवर में रन आउट ही हो रहा है भाई, यही देख लो तुम लोग, आज यही हो रहा है। ये दूसरा रन, और भागो भाई और भागो, दूसरा रन भाई। अब तो 5 विकेट चाहिए, एक तो दे दो मेरे को। और मेरी कोई और का सीधे क्यों नहीं जा रही है? हर बॉल कुछ इतने से बच रही है, कोई टॉप एज लग रहा है यार। यार क्लब क्रिकेट में तो इंपैक्ट डालना था ना मेरे को, तो बेइज्जती हो गई यार थोड़ी आज। किसको लगाऊं? के गुप्ता को ही लगाते हैं, देख 5 ओवर डाले हैं और एक भी विकेट नहीं मिला उसको। हसीन को 2 विकेट मिले है बाई द वे, बट स्टिल आई फील स्पिनर्स लाते। ये साइड वाइड स्पिन है बस, अगर ये आउट हो गया तो ओ आगे डालना है, वो जो चाहिए अपने को आगे ही डालनी चाहिए बॉल भाई। एज अ कैप्टन एक ओवर तो बनता ही बनता है। अरे यार नहीं, आउट तो नहीं होगा। मैं सेकंड स्लिप से हट के लेग स्लिप पे आ रहा हूँ। विकेट टू विकेट रखे राइन, या फिर ऑफ साइड पे भी रख सकता है। ओ मेरा विकेट है। मजाक कर रहा हूँ यार, बढ़िया बॉल, बढ़िया बॉल। आई थिंक वो बेस्ट टाइम ही कर गया, वो था ये मुरलीधरन वाला एक्शन था इसका, स्पिनर्स वाला कॉल बढ़िया था अपना, आते ही विकेट मिला। 4 विकेट चाहिए वैसे, यहाँ से मैच जीत सकते हम लोग। ओ सेम बॉल था ये, सेम, बट ये लीव बाउंस हो गया थोड़ा। इधर से तो मैं डालूंगा, डाल सकता हूँ आई थिंक, ये ज्यादा अच्छा रहेगा ना। अगर ये लेग स्लिप पे आउट हुआ ना भाई, सॉफ्ट कटर पे मजा आ जाएंगे। ओए वैसे ये पुल भी कर सकता है, कर ले। ओ बहुत ही फाइन, मुझे ही बढ़िया शॉट पड़ता है, मेरे को लगा था ये सेट आउट सामने है तो। बिल्कुल भाई, ये तो सामने ही था, ये नहीं देता आउट कैसे चलता। चलो सेट बैट्समैन को अपन ने आउट कर दिया, पहला विकेट मिल गया है। देखा बेनिफिट और डाउट रहता है बैट्समैन को, और इसमें वैसे भी वो तो है नहीं रिव्यू लेने का ऑप्शन, अंपायर्स के ऊपर ही था आउट देना है नहीं देना है। ठीक है आई थिंक 3 ही विकेट बचे हैं, वो जीतने वाले तो है नहीं यहाँ से, तो विकेट लेने का ट्राई करते हैं। इसी लाइन अगर ये फुलर रखेगा तो चांसेस ज्यादा होंगे विकेट लेने के। हाँ ये ही वाली थोड़ी सी और आगे, मतलब थोड़ी सी और आगे, मतलब गुड लेंथ पीछे भी रख सकता है, अनइवन बाउंस मिला तो अपना ही लक है। ओ ये तो ठीक ही था, जो इनके 2 रन आउट हुए ना अननेसेसरी वही आई थी। ओ क्या इसके पैड पे लगा है, मैं अपील कर रहा हूँ, जस्ट वैसे भी मिस ही किया है पूरा। बट ये मैच ड्रॉ नहीं होना चाहिए भाई, 3 ही विकेट चाहिए मेरे को। ऊपर से खेला कवर से, नहीं तो चौका होगा ये। यार गुड लेंथ पे मैं रखूंगा, कुछ फायदा लग नहीं रहा, आगे ही क्रैक दिख रहे हैं मेरे को ऐसे। मैच फिनिश हो चुका है, अपन जीत चुके हैं, सुचित को मैन ऑफ द मैच मिला है, विच इज गुड, $1000 ले जाएगा आज अपना भाई। और वैसे हम लोग 112 रन से जीते हैं भाई, विच इज अ बिग विन। अभी आज तक देखा है आई नो अपना दिन उतना भी अच्छा नहीं था, और द नॉर्थ इंडियन चैंपियनशिप इज नाउ कम्प्लीटेड। अच्छा ये तो कुछ और है, आई थिंक ये T20 कुछ तो चल रहा होगा, और द इंडियन एसोसिएशन ट्रॉफी इज नाउ कम्प्लीटेड। ओ जो एसोसिएशन ट्रॉफी तो वही होती है ना रणजी की, इन सबन जीते या नहीं जीते पता नहीं भाई, ये क्या सीन हुआ। एक्चुअली अब अपना T20 मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, और इसमें 6 टीमें है। आई थिंक सो वो रणजी ट्रॉफी खत्म हो चुकी है, हम लोग फाइनल पे नहीं पहुंचे। पता नहीं भाई, पता नहीं क्या सिचुएशन था उसका, सेमीफाइनल तो खेला वो ड्रॉ हुआ था। अगर तुम में से किसी को पता है ऐसा किसी के साथ हुआ है तो वो कमेंट पे बता सकता है मेरे को। तो मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो पे, अगली वीडियो पे काफी मजा आने वाला है। हम लोग T20 खेलने वाले हैं अपने उत्तराखंड के लिए पहला T20। जी भाई वहां पे हम लोग कहां बैटिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें होंगी।